हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं हूं नारायण पटेल, आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे पीएम यशस्वी छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 क्लास 11 के लिए, जिसमें आपको आज हम बताएंगे अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड बेस एंड साल्ट्स पर आधारित 42 क्वेश्चन यानी 42 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जिनमें से आपको दो प्रश्न जरूर परीक्षा में मिलेंगे। तो आप इन सभी प्रश्नों का अध्ययन कीजिए और अपनी स्कॉलरशिप सुनिश्चित कीजिए। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, जब लिटमस विलयन न तो अम्लीय हो और ना ही क्षारीय हो तो यह किस रंग का होता है? लाल, नीला, बैंगनी या फिर पीला? हालांकि मैं प्रश्न पहले भी करा चुका हूं, इसलिए आंसर आपको मालूम होगा, ऑप्शन सी होगा। अगला है, विलयन में किस आयन के निर्माण के कारण विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है? आपको याद रखना है, अगर अम्लीय प्रकृति है तो वो एच प्लस आयन की उत्पन्न करेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, तीसरा, अम्ल तथा क्षार की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं, ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? आपको मालूम होना चाहिए, जब अम्ल और क्षार दोनों की अभिक्रिया होती है, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। मैं बहुत टाइम ना लेते हुए आपको बताऊंगा, आप रोक रोक के देखते रहिएगा। प्रश्न आपको बहुत जबरदस्त यहाँ पर मिलेंगे, निम्न में कौन सा क्षार नहीं है? क्षार को जब अक्सर बच्चे क्या करते हैं, OH का हिसाब लगाते हैं, जिसमें OH आयन होगा लास्ट में, उसको हम क्षार कर देंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, OH आयन होता जरूर है, लेकिन ये एल्कोहल भी होता है, यानी ऑप्शन डी C2H5OH ये क्षार नहीं है। इसे आप जरूर पढ़ के देख, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शुद्ध पानी का पीएच होता है, तो जो शुद्ध पानी होता है बच्चों, उसका पीएच यानी न्यूट्रल होता है, यानी 7 होता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के जलीय विलयन में उपस्थित क्या होते हैं? मैं आगे पढ़ता हूं। तो यहां पर आपका जो प्रश्न दिया था, उसका जो H3O+ + Cl-, ये ऑप्शन ए वाला सही होगा। सातवां है, हमारे उदर यानी पेट में कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? याद कर लीजिए, ये HCl अम्ल उत्पन्न होता है, बहुत बार ये पूछा गया है प्रश्न। उस विलयन का पीएच मान क्या होगा जो लाल लिटमस को नीला कर देता है? यानी यहाँ पर बहुत अच्छी चीज पूछी जा रही है, इसका मतलब लाल को जब नीला कर देता है, इसका मतलब वो क्षार प्रकृति होगा। क्षार प्रकृति 7 से अधिक होगा, 7 से अधिक होने के लिए यहाँ पर देखिए 10 है, बाकी कोई 7 से सब नीचे ही है। अगला है, किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो जो उदासीन विलयन होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। अगला प्रश्न आपके सामने, 10वां, एक जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, किसकी अधिक मात्रा इसमें डालने पर यह परिवर्तन उलट जाएगा? मतलब है तो वो लाल से नीला कर देता है, लेकिन इसमें कौन सी चीज और हम अगर ऐड कर दें अधिक मात्रा में, जिससे इसका परिणाम बदल जाए? तो यहाँ पर चूंकि ये हमारी बात जो है कर रहा है, तो यहाँ पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी एसिटिक है, तो हम अगर एसिड इसमें मिला देंगे HCl, तो इसकी प्रकृति जो है वो चेंज हो जाएगी। अगला है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, विलयन कैसा होगा? क्योंकि मालूम है कि 7 से जो नीचे होते हैं अम्ल होते हैं, यानी ठीक है एसिड होते हैं, तो यहाँ पर ये अम्ल हो जाएगा। आगे भी देखते हैं, तो यहाँ पर हमने पहले ही इसका आंसर आपको अम्लीय बता दिया था। अगला आपके सामने प्रश्न है, दांत साफ करने के लिए प्रायः जो टूथ ब्रश होता है, उसकी प्रकृति कैसी होती है? जो पेस्ट हमारा आता है, उसकी प्रकृति क्षारीय होती है। दांतों के इनेमल यानी दंत वल्क में कौन सा पदार्थ होता है, नहीं जो दांत हमारे होते हैं किस चीज के मिलने बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट के सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल किसमें? ये संतरा में बच्चों पाया जाता है, याद कर लीजिए, बहुत आता है। अगला है, क्षारीय विलयन का पीएच होता है, तो जो भी क्षारीय विलयन बच्चों होते हैं, तो इनको हमें कई बार आपको बता चुका हूं कि 7 पर उदासीन, 7 से कम अगर है अम्लीय और 7 से अधिक है तो वो क्षारीय होगा। अगला प्रश्न है, मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, नहीं मेथनोइक अम्ल किसमें पाया जाता है? ये चींटी जो डंक मारती है, जो हमें एक अजीब प्रकार का
जो एहसास होता है उसी को हम लोग मेथुनोइक अम्ल के कारण ही होता है। अगला है ऑक्जैलिक अम्ल पाया जाता है। जो ऑक्जैलिक अम्ल है वो कहाँ पाया जाता है? टमाटर में पाया जाता है। कुछ प्रश्न ऐसे जो बहुत बार पूछेगा उन्हीं की बात यहाँ पर हो रही है। लैक्टिक अम्ल किसमें पर? लैक्टिक जो है अम्ल अब किसमें अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दही में पाया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न आइए देखता हूँ। चलिए अगला हमारे पास देखिए प्रश्न है, निम्न में से सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट किसका रासायनिक नाम है? तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये हमारा बेकिंग सोडा होता है, तो ऑप्शन यहाँ से आपका बी वाला सही होगा। किसका जली विलयन सफेदी के लिए? तो ये सफेदी के लिए CaCO2, यानी जो सफेदी के लिए हम चूना का प्रयोग करते हैं, हालांकि जब उसके फॉर्म में होता है चूने में तो CaO होता है। ठीक है, तो चूंकि सफेदी के लिए किसका प्रयोग करते हैं तो आपको CaCO3। अगला प्रश्न है, बुझे हुए चूने का सूत्र क्या है? तो जब चूना जो हमारा बुझ जाता है तो ये बनाता है CaOH2, यानी ऑप्शन बी, जिससे हम कुताई करते हैं। आग बुझाने के लिए यंत्रों में प्रयुक्त होती है, तो जो हमारा जो आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं उनमें कौन सी? तो उसमें Na2CO3 का प्रयोग किया जाता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है, यानी जो रंग वगैरह उड़ाने के लिए? तो ये होता है CaOCl2, यानी ऑप्शन सी वाला सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका उपयोग पीने के पानी के जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किया जाता है? तो जो कीटाणु रहित पानी को बनाना होता है उसमें विरंजक चूर्ण को मिलाया जाता है और इसी से जो है कीटाणु रहित बनाया जाता है। अगला प्रश्न है आपके सामने, अच्छा सा प्रश्न है, विरंजक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक के रूप में याद रखिए ब्लीच पाउडर आता है, ब्लीचिंग पाउडर जिसे हम लोग कहते हैं। अगला है, शुष्क वायु में रखने से प्राप्त क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो यह है Na2CO3H2O, यानी ऑप्शन बी। ठीक इसी प्रकार से 27वां है, H2SO4 का जलीय विलयन का pH मान क्या होगा? तो चूंकि यहाँ पर आपसे जलीय विलयन पूछा जा रहा है और चूंकि ये H2SO4 ये एक आपका एसिड है, यानी ये अम्ल है और अम्ल का जो pH होता है बच्चों वो 7 से कम होता है, तो यहाँ पर इसका 7 से कम यानी ऑप्शन बी वाला होगा। अगला प्रश्न है, सोडियम कार्बोनेट का जलीय विलयन कैसा होता है? तो ये बच्चों क्षारीय होता है, इसको आपको याद रखना है। 29वां, बेकिंग पाउडर के मुख्य रूप में होता है या खाने का सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है इसी को हम लोग खाने का सोडा कहते हैं, जिसको हम डबल रोटी वगैरह फुलाते हैं या उसमें प्रयोग किया जाता है। तो 29वें का ये होगा NaHCO3। कभी कभी इसका फार्मूला भी पूछ लेते हैं, आपने 9th में इनके फार्मूले भी पढ़े हैं। अगला है, क्षारक के साथ हल्दी का रंग, जो क्षारक होते हैं वो हल्दी का रंग कैसा भूरा देते हैं? जिप्सम में क्रिस्टल के जल के अणु कितने होते हैं? जो क्रिस्टलीय होता है तो इसमें कितने होते हैं? इसमें 2 होते हैं, आपको याद रखना है। अगला आपके सामने अच्छा एक प्रश्न है थोड़ा सा, कि जिप्सम को किस ताप पर गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? तो ये 373 केल्विन, या आप 373 केल्विन, 273 इसमें से आप घटा लेंगे, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड की बात ये कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न की श्रेणी में है, कई बार पूछा गया है, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बच्चों Na2CO3 10H2O, बिल्कुल इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 34, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, सही की बात नहीं कर रहा? तो जल में अम्ल का विलयन विद्युत चालन करता है, बिल्कुल सही है। पीएच स्केल में पी का अर्थ शक्ति, बिल्कुल पावर है, पावर। ठीक है, अगला है, हमारा शरीर 7 से 7.8 pH परास के बीच, बिल्कुल सही है, बिल्कुल याद कर लीजिए, इस प्रश्न को आप ऐसे ही याद कर लीजिएगा। और अगला है, कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट का विरंजक चूर्ण कहलाता है? नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है, इसीलिए ये प्रश्न यहाँ पर ऑप्शन डी वाला हमारा सही होगा, क्योंकि डी वाला जो ऑप्शन है वो सही व्याख्या नहीं करता है। अम्लीय विलयन का पीएच होता, देखिए बार बार वही प्रश्न आपसे पूछेंगे, 7 से कम। अगला है,
अम्लीय वर्षा में जल का संभावित पीएच मान क्या हो सकता है? तो ये जो अम्ल वर्षा अभी तक हुई मापा गया है, ये 5.2 के करीब रहता है, तो 36 का यहाँ से ये वाला सही होगा। अगला, बेकिंग सोडा यानी गर्म करने पर कौन सी गैस निकालता है? चलिए आगे देखते हैं, फिर आप भी इसका आंसर दीजिए। तो पूछ रहा था बेकिंग सोडा से कौन सी गैस रन पर निकलती है, तो यहाँ पर आपका ये निकलती है कार्बन डाई ऑक्साइड यानी CO2। अगला है, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो H2SO4, तो हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या यहाँ पे दो आपको मिलेगी। 39 है, धोने के सोडा यानी धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? वहाँ पर आपने अभी खाने का सोडा देखा था, वो था, खूब इसमें कन्फ्यूजन होता है, NaHCO3। अब ये धोवन धावन सोडा का सूत्र है, तो यहाँ ये होता है Na2CO3 10H2O, यानी ऑप्शन बी वाला, बिल्कुल इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा, यानी अम्ल अम्ल कौन है? तो अम्लीय यौगिकों में अम्लीय लवण कौन सा है, इसमें से आपको छांट के बताना है। तो ये NaHCO3 अम्लीय है। अगला आपका है, धावन सोडा की प्रकृति कैसी होती है? जो हमारा धोने वाला सोडा, उसकी प्रकृति कैसी होती है? वो बच्चों क्षारीय होती है, अम्लीय नहीं होती। एक विलयन नीले लेट में उसको लाल कर देता है, तो उसका पीएच मान क्या होगा? इस पर भी आपने काफी प्रश्न पढ़ चुके हो, तो उसकी वैल्यू 6 के करीब होगी, यानी 6 होगी, क्योंकि ये तो दोनों अम्लीय में चले जाएंगे और ये उदासीन चला जाएगा। कुल मिला के ये आपके पास 42 प्रश्न थे, इससे इतर कोई भी प्रश्न नहीं आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलता हूँ आपको मैं एक नए चैप्टर के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने इष्ट मित्रों को शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर कोई आपकी डिमांड हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं उस पर आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद।